नमस्कार, मैं अजय कुमार। आज सरोकार के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो आपसे, हमसे, हर परिवार से, हर घर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये समय के साथ साथ हमारे घरों में, हमारे आसपास में हम सुनते हैं कि फला व्यक्ति अवसाद में वो काफ़ी अस्वस्थ हो गए हैं। हम सुनते हैं कि फला बच्चा परीक्षा में फेल कर गया और उसने अपनी जान जोखिम में डाल ली, या ऐसा उसने कुछ कर दिया जिससे पूरे परिवार को संकट में उबरने से वक्त लगता है। हम बात कर रहे हैं अवसाद की, डिप्रेशन की, कि अवसाद एक किस तरह हमारे समाज में, हमारे समय के साथ चुनौती के रूप में बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। भारत की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक, जो डेटा उपलब्ध है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं या डिप्रेशन की चपेट में हैं। मित्रों, अवसाद मन की परतों की वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत विचलित हो गया किसी कारण से, उसको काफ़ी तकलीफ हुई, दुख हुआ और उसके चलते वह अवसाद में चला जाता है। अवसाद में जाने के कई कारण हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर कि अवसाद से हम कैसे बचें, अपने बच्चों को कैसे बचाएं, घर की महिलाओं को कैसे इससे दूर करें, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं, लेकिन बातचीत करने से पहले आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे सबसे दाईं ओर बैठे हैं प्रोफेसर जय मंगल देव जी, मनोविज्ञान के प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लंबे समय से ये अध्यापन का काम कर रहे हैं। उनकी बगल में है प्रोफेसर वंदना मौर्या जी, ये भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अध्यापन करती हैं। हमारी दाहिनी ओर, बिल्कुल दाहिनी ओर बैठे हैं डॉक्टर विकास कुमार, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक PPU के कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करें कि यह जो अवसाद बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में, एक संकट के रूप में, एक चुनौती के रूप में, और आप देखें कि किसी भी उम्र में, ये चाहे टीनेजर्स हों, युवा हों, या बुजुर्ग हों, या मध्यम उम्र के लोग हों, बीच वाले लोग हों, ये हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं कि बच्चों में आजकल अवसाद के लक्षण दिख रहे हैं? तो सबसे पहले बच्चे क्यों हो रहे हैं इसके शिकार और इसके लक्षण क्या हैं, कृपया आपसे जानना चाहेंगे। आपने जो सवाल पूछा उस पर आने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ शुरुआत के तौर पर। दुनिया में, बल्कि भारत में तो कहा जाता है कि ये डिप्रेशन कैपिटल है, अवसाद की राजधानी है हमारा देश, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अवसाद के जो मामले हैं वो दुनिया के बाकी किसी देश में नहीं है। हालांकि उसमें हमारी जो अपार जनसंख्या है विशाल, उसका भी बड़ा हाथ है, इसलिए भी एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं वो लगता है कि बहुत है। अब रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चे जो हैं उसके कई पारिवारिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। परिवार सिमटता गया, एकल परिवार हो गया, दादी नानी बुआ मौसी वो जो हुआ करते थे, ताऊ चाचा कजिन्स, तो वो बहुत दूर की बात हो गई। तो परिवार जो है उसका स्वरूप बदला, और बहुत शुरू ही से, वेरी अर्ली इन लाइफ, बच्चों को पर दबाव कई तरह के, उनके माता पिता की ओर से, परिवार की ओर से, समाज की ओर से। कई बार तो शिक्षक जो हैं स्कूल में जिसमें बच्चा पढ़ने जाता है, वह भी उस दबाव का कारण बन जाते हैं। उनकी अपेक्षाएं जो हैं वो बच्चों से अब बहुत हो जाती हैं। उसमें उसका एक रोचक पहलू भी है,
बच्चे जो हैं उनमें ये रूप बदल कर प्रकट होने वाली व्याधि है। तो बच्चे जो हैं वो शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द है, बच्चे कहेंगे कि उनके सिर में दर्द है, या फिर वो उस तरह से उदासी के को उस तरह से बता नहीं पाते, क्योंकि अवसाद जो है वह मूल रूप से उस उदासी जो है इसका मूल लक्षण है। लेकिन बच्चों में और उसी तरह से जो बहुत उम्र दराज लोग हैं तो उनमें यह प्रकट होता है शारीरिक व्याधियों के रूप में। वो बताते हैं कि यह इधर दिक्कत है, इधर दर्द है, यहाँ परेशानी है, और फिर जब मेडिकल टेस्ट वगैरह किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तब पर्दा उठता है कि अरे ये तो अवसाद का मामला है। तो इस तरह से कई सारे पहलू हैं। हम फिर आते हैं पुनः आपके पास। आना चाहेंगे प्रोफेसर वंदना मौर्या के पास। जैसा कि जयमंगल देव साहब ने बताया कि इसमें बच्चे दबाव में आ जाते हैं, इसमें पेरेंट की भूमिका आप किस तरह से देखती हैं? जो परिवार में माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अवसाद में जाने से कैसे रोक सकते हैं और उनकी भूमिका कैसे ये हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो डेटा हमारे सामने आ रहे हैं, और आपने भी एक डेटा हमारे साथ साझा किया कि लगभग संपूर्ण विश्व में 30 करोड़ लोग हैं जो कि किसी न किसी प्रकार के अवसाद से पीड़ित हैं। लेकिन अभी हमने कुछ वर्षों में ये भी देखा, अगर WHO की 2023 की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसके हिसाब से इसमें सार्थक रूप से कमी आई है, और वर्तमान में 28 करोड़ लोग जो हैं वो अवसाद से पीड़ित हैं। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि जो हमारा युवा वर्ग है या जो हमारा हमारे बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। बच्चे बहुत सारे सामाजिक दबाव से भी पीड़ित हैं, बच्चों के ऊपर जो उनके परिवार के दबाव हैं, पहले से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ी है अब उनके ऊपर, इसलिए बहुत तरह के दबाव हैं। तो माता पिता की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पर अगर आप देखें तो जैसा सर ने भी कहा कि सामाजिक रूप से भी परिवर्तन बहुत सारे आए हैं, अब माता और पिता दोनों ही कामकाजी हैं तो दोनों अपने बच्चे को वो समय नहीं दे पाते हैं जितना समय, जितना प्यार, जितना दुलार या जितना साथ उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करें तो हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। नहीं तो बच्चे बहुत तरीके से अपने अवसाद को प्रकट भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टैम्पर्स शो करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, अपनी बातों को जैसे सर ने भी कहा कि शारीरिक रूप से विभिन्न लक्षणों के माध्यम से दिखाना, ये सारी चीज़ें वो शो करते हैं। लेकिन हम कितना उसमें साथ दे पाते हैं एज अ फैमिली मेम्बर या माता पिता के रूप में, हम कितना इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि हम बच्चों की इस तरह की जो भी समस्या वो अपने व्यवहार में दिखा रहे हैं या वो चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं कई बार, तो अगर वो उस चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें स्कूल से आ रही हैं, तो बजाय उनको डांटने, फटकारने या पनिशमेंट देने के, हम उनकी समस्या को सबसे पहले स्वीकार करें और हम ये समझें कि ये बहाने नहीं हैं बल्कि सच में वो इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। तो किसी भी तरह के जब मानसिक विकार की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली कड़ी ये होती है कि हम स्वीकार करें उस चीज़ को, और अगर हम स्वीकार करते हैं तभी हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर विकास, आप पढ़ाने के साथ साथ इसके जो प्रक्रिया है इलाज क्लिनिकल साइकोलॉजी जी उससे भी जुड़े हुए हैं, कैसे? पहले तो सबसे बड़ा संकट ये हो जाता है कि कोई हमारे आसपास, हमारे ही परिवार में मान लीजिए वो बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, बोल चाल उसका बिहेवियर बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन वो पता चलता है कि कहीं ना कहीं से वो मानसिक रूप से वो परेशान है और वो दिखता नहीं है। तो इस चीज़ को, उसके इस बिहेवियर को आप कैसे एक तो समझेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? प्लीज़ सर, बड़ा प्रश्न है आपका लेकिन बहुत रेलेवेंट है सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। दो बातों से मैं शुरू करना चाहूँगा। एक समय था सर हमारे समाज में जब मानसिक बीमारियों को लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं होती थी और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती गईं। कालांतर में अब ऐसा हो गया है कि सब हर सामान्य चीज़ को डिप्रेशन और अवसाद है, चिड़चिड़ापन है, साइको ऐसे, मेंटल ऐसे शब्द प्रचलित होने लगे। तो ये दोनों अतियों से थोड़ा बचना चाहिए। चूँकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ तो एक जो गाइडलाइन है जो हमें दी जाती है कि ये लक्षण अगर पाए जाते हैं तभी अवसाद कह सकते हैं, उसकी संक्षेप में मैं बहुत तकनीकी पहलुओं में नहीं जाऊँगा, थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा।
ताकि समझा जा सके कि कोई व्यक्ति सामान्य उदासी से ग्रस्त है जिसमें किसी प्रकार के इंटरवेंशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या वो ऐसी परिस्थिति है जिसको मानसिक रूप से ट्रीट करने की, निदान करने की, इलाज करने की ज़रूरत है। तो सर हमारा जो ICD कहता है, जो उसकी क्राइटेरियाज हैं, वो संक्षेप में मैं सरल भाषा में ही बताना चाहूँगा, चूँकि तथ्यात्मक चीज़, इसलिए मैं सर उसको कोट कर रहा हूँ कि 2 हफ्ते तक अगर लगातार किसी व्यक्ति में उसका मूड से अभिप्राय है, हमारे अंदर से जो भावनात्मक अनुभूति है उसका एक ग्रॉस ज़्यादातर समय खराब रहता है, उदास रहता है ज़्यादातर समय। 24 घंटे में 1-2 घंटा अगर ठीक है तो उसको ज़्यादातर समय कहा जाएगा, 22-23 घंटे खराब रहता है। साथ ही साथ वो वैसी चीज़ों में रुचि कम महसूस करता है जिसमें सामान्यतः उस वर्ग के लोग ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। जैसे एक 12 साल का बच्चा मूवी देखना पसंद कर सकता है, लेकिन अगर वो असाधग्रस्त होगा तो उसे उन चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं आएगी। तीसरी बात है उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में वो हमेशा ह्रास का, थकान का लगातार अनुभव करेगा, और ये सब कम से कम 2 हफ्ते तक होना चाहिए, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन तक हो तो इसको अवसाद नहीं कहा जाएगा। सर इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स को संक्षेप में हम कह दें कि आत्मविश्वास में कमी, जीवन में आसपास जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको नकारात्मक रूप से अपने ऊपर सोचना कि जो भी बुरा हुआ मेरे परिवार दोस्तों वो मेरे कारण हुआ। तीसरा, कई बार सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का, अपने को क्षति पहुंचाने का ख्याल मन में आना, ऐसा प्रयास करना। चौथा, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब जैसे मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, घूमना फिरना होता, उनमें बहुत सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी, स्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा। पाँचवा, स्लीप डिस्टर्बेंस, गुमसुम जाना, कट जाना, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाना, बिल्कुल स्लीप डिस्टर्बेंस अभिप्राय है सर कि नींद बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। ऐसे ही सर भूख का पैटर्न में बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अब सर ये सारी चीज़ें ऐसे तो लग रहा है कि सुन करके हम भी किसी को अवसाद डायग्नोस कर देंगे, बट सर मानसिक रोगों में एक है कि हमारे पास कोई न्यूरोलॉजिकल या ब्लड टेस्ट नहीं होता जो हमें दिखा दे कि शुगर लेवल इतना है और इतना नहीं है। तो सर इसके लिए क्लिनिकल एक्यूमेन होता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और डॉक्टर का प्रशिक्षण है जो इन क्राइटेरियाज के इर्द गिर्द पेशेंट से लंबी बातचीत और उसके पेरेंट्स से बातचीत करने के बाद निष्कर्ष पर निकलते हैं कि इसे नैदानिक अवसाद, क्लिनिकल अवसाद है या नहीं। अगर क्लिनिकल अवसाद है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा सर, और सामान्य उदासी चिड़चिड़ापन है जो 5-4 दिन में दूर हो जाने वाला है तो फिर उसे ओवर डायग्नोस नहीं करना है। तो सर ये तो हुई लक्षणों की बात। उपचार की बात सर जहाँ तक है तो हमारे पास 3 मोडालिटी है उपचार की। सर उपचार वाले पर हम लोग दूसरे पक्ष में आते हैं, फिर लंबा हो जाएगा। आपने एक जो बात कही कि हमारे समाज में संयुक्त परिवारों का बिखरना, तो यह एक विकास क्रम में आप रोक भी नहीं सकते हैं और यह बहुत ही स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया में होता रहा है, हमारे समाज में भी हो रहा है। साथ साथ हम मानव सभ्यता का विकास भी है, आपके उसके कई पैरामीटर हैं। मान लीजिए कि जैसे आपका जीवन बहुत आसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वही जीवन बहुत जटिल भी होता गया है। आपके पास भौतिक साधन, भौतिक सुविधाएं काफ़ी बढ़ी हैं। आप जब आप नौजवान होंगे तब और आज की तुलना में बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में उसका हस्तक्षेप बढ़ा है, उसकी आप कह सकते हैं कि प्रक्षेपण बढ़ा है, उसकी ज़रूरत भी बढ़ी है। मोबाइल का ही जैसे देख लें, मेरा सवाल ये है कि इस विकास को रोक पाना, इस तकनीक को रोक पाना शायद संभव भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तकनीक का विकास है तो हम उसको अडॉप्ट करें, इसके बावजूद यह जो संख्या है हमारे आसपास जो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोकेंगे? उसके कई सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि सेल्फ केयर जिसको कहते हैं, आपको खुद अपनी देखभाल, अपनी चिंता करने की आदत रखनी होगी, आपको मतलब हमको, आपको सबको, हम जितने भी लोग हैं। और अगर मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग सज्जन है या फिर किसी किन्हीं कारणों से वो इसमें सक्षम नहीं है कि खुद अपनी देखभाल कर सकें, तो उनके आसपास के जो लोग हैं जिनको कहते हैं केयर गिवर्स, उनकी देखभाल करने वाले, तो उनको सचेत और सचेष्ट रहना पड़ेगा कि इनकी जो ज़रूरतें हैं इनकी बेहतरी के लिए, बेहतर जीवन के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो वो सुविधाएं पूरी की पूरी उनको उपलब्ध हों। दूसरा ये है, आपने सही कहा
पिछले 30 वर्षों में दुनिया ऐसी बदली है, न केवल बदली है बल्कि इस बदलाव की रफ्तार बहुत तेज थी। जी जी, एक समय था जबकि हम लोगों के पास डेस्कटॉप पर जी पूरे महीने में 256 MB डेटा आता था केबल से, और उसी में हम लोग महीना भर अपना ईमेल चेक करते थे। अब क्या है कि जेब में जो स्मार्टफोन है उसमें 2 SIM है, दोनों में रोज 2 GB मिलता है, और हो सकता है कि रात को 12 बजने से पहले 11 बजे मैसेज डेटा अलर्ट आए कि आता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो दुनिया बदली, ये एक बात है, और बहुत तेजी से बदली। तो तकनीकी विकास जिस रफ्तार में हुआ जी, उसी रफ्तार में हमारे रहन सहन में बदलाव नहीं हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। जी जी, तो हमारा इवोल्यूशन जो है वो उसके मुकाबले, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन तो हुआ लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो उस तरह से, उससे जो कहते हैं कदम ताल नहीं कर रख सका, या हम लोग उसके साथ नहीं हैं। तो सुविधाएं बढ़ी लेकिन एकाकीपन, जीवन एकाकी हो गया। अब से 30 साल पहले जो लड़का गया सिलिकन वैली, तो हफ्ते में एक दिन फ़ोन करता था और माँ से पूछता था कि साग पालक का कैसे बनाते हैं। आज क्या है कि वीडियो कॉल पर वो जब चाहे वो सब चीज़ के बारे में रेसिपी जान सकता है, सारी रेसिपी और वो कैसे क्या तरीका है वो सब जान जाएगा। जी जी, तो लगता है कि हमारा जुड़ाव जो है बढ़ गया लेकिन लगाव कम हो गया। ये जुड़ाव और लगाव का जो द्वैत है जी, इसको बराबर ध्यान में रखने की जरूरत है। जुड़ाव बढ़ा क्यों? क्योंकि वैसी सुविधाएं आ गई, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन लगाव कम होता गया। और प्रतिस्पर्धा की बात वंदना कह रही थी थोड़ी देर पहले, वो समाज में हर स्तर पर है। जी जी बिल्कुल। पहले क्या है, माता पिता, हम दो, हमारे दो तो बहुत बाद में हुआ, तो उनके एक, उनकी संतानों की संख्या एक से अधिक होती थी। अभी क्या है कि वो भोजपुरी में जो कहते हैं कि सारा फूल महादेव पर जी, अब सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट, सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, या अभी तो डबल इनकम नो किड्स भी चल रहा है जी। तो लेकिन सिंगल चाइल्ड की वजह से है क्या कि अब सारी अपेक्षाएं, सारे अरमान बस उसी बालक, उसी बालिका, उसी बच्चे से आपको पूरा करना है जो माता पिता हैं। तो इस तरह से जीवन की परिस्थितियां जो हैं वो बहुत कठिन हुई हैं। लेकिन जी, इसका एक अच्छा पक्ष भी है, और वो ये है कि हाल के वर्षों में अवसाद को लेकर जागरूकता बढ़ी है। क्योंकि हम लोग पहले भी कहते रहे हैं ऐसे मंचों से कई बार कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, खास करके सिनेमा में काम करने वाले लोग या और दूसरे क्रिएटिव लोग, वो चाहे म्यूजिक में हों, आर्टिस्ट हों, तो उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और कहा लोगों के बीच जाकर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कि हम अवसादग्रस्त थे और हमने ऐसे ऐसे किया और अब हम उससे बाहर आ गए। जी जी, तो ये एक बहुत सकारात्मक पक्ष है। और मुझे ऐसे कई लोगों का आया भी है कि वो एक दौर में, एक खास समय में अवसाद से ग्रस्त थे, डिप्रेशन में थे, और उससे उभरे। कैसे उभर के? ताकि अवसाद के बारे में एक और बड़ा रोचक पक्ष है जी, हालांकि उसमें खतरा बहुत है, विकास जी बताएंगे। अवसाद के बारे में कुछ न किया जाए, कोई उपचार, कोई ट्रीटमेंट न किया जाए, तब भी वो 7-8-9 महीने में खुद ही चला जाता है, एक खास किस्म का अवसाद, क्लिनिकल नहीं। लेकिन ये 7-8 महीने जो हैं ये बड़े भारी होते हैं उस व्यक्ति के जीवन पर, उसके जो नज़दीकी लोग हैं, परिवारजन हैं, या उसके जो मित्र हैं, उसके जो शुभचिंतक हैं। इसलिए करना चाहिए, उपाय है, एक तो सेल्फ केयर है, दूसरा ये है कि सीक हेल्प, रिच आउट एंड गेट हेल्प, उसको कहते हैं हम लोग। रिच आउट का मतलब यह है कि आप कोशिश करिए लोगों तक अपना कष्ट बताने का, अब बताइए कि आपको क्या तकलीफ है, तभी तो कोई आपकी मदद कर पाएगा जी। और फिर बहुत सारे स्टडीज भी हैं कि ये जीवन शैली में बदलाव करके, जैसे रहन सहन के तौर तरीकों में, स्वस्थ आदतें जिनको कहते हैं। एक सवाल अब ले लेते हैं वंदना जी से। वंदना जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें एक आर्थिक पक्ष भी जुड़ा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।
हम लोगों ने जो देखा है या जो जिस तरह का केस हम लोगों के मैंने पढ़ने को या सुनाई देता है उसमें ये है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं या परिवार है वहाँ पर अवसाद के मामले ज़्यादा आता है बनिस्पत जो लोग एक संयुक्त परिवार है और जिसको आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उतनी समृद्धि नहीं है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरा कि जो संपन्नता है वहाँ पर इस बीमारी या अवसाद की उस अवस्था में पहुँचने देने से रोकने का क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल सर, यहाँ दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब अवसाद की बात की जाती है तो उसके साथ हम गरीबी की बात भी करते हैं, और ये एक फैक्ट की तरह से है जो आप देख सकते हैं विभिन्न आंकड़ों में इसका जिक्र है कि लगभग दुनिया का जो 75% जनसंख्या है वो जनसंख्या अवसाद से पीड़ित है, और ये वो जनसंख्या है जो लो मिडिल इनकम ग्रुप के लो या मिडिल इनकम कंट्रीज से आती है। तो एक पक्ष तो ये हो गया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं जो असंपन्न हैं उनके साथ अवसाद की बड़ी समस्या है और उनको कई बार पता भी नहीं चलता है कि उन्हें अवसाद है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जब तक हमें पता चलता है कि हमारे हम अवसाद से पीड़ित हैं ग्रसित हैं तब तक वर्षों का समय बीत जाता है, दसों साल लग जाते हैं सिर्फ ये पहचानने में कि हमें किसी तरह की सामान्य उदासी है या हम सच में अवसाद से पीड़ित हैं। अब अगर बात करें कि सक्षम लोग जो हैं आर्थिक रूप से संपन्न, चाहे वो देश के बारे में बात करें चाहे वो लोगों के बारे में बात करें, वो सभी अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये लोग जो संपन्न हैं लगातार उनके काम के घंटे भी बढ़े हुए होते हैं, या तो उनका खुद का बिजनेस है या कुछ तरह के पब्लिक फिगर्स हैं या कुछ इस तरह के काम वो करते हैं जहां उन्हें अनायास लगातार लंबे समय तक काम करना पड़ता है। हो सकता है उनके काम करने के जो घंटे हैं वो कभी दिन का समय होता है, कभी दोपहर का और कभी रात का समय होता है। तो जो हम कह रहे थे अभी सर कह रहे थे कि नींद जो है वो उनकी पूरी नहीं होती है, तो उस मामले में आप देखिए कि हमारे ब्रेन को सही तरह से एडजस्ट होने में समस्या होती है कि हमें आखिर सोने का प्रोसेस हमें कब करना है, हमें खाने का एक नियत समय है तो आखिर हमें किस समय सोने का समय है, किस समय खाने का, किस समय बाकी काम के लिए हमें समय है। तो यहाँ पर ये बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक आर्थिक पक्ष का बहुत महत्वपूर्ण डेटा है वो ज़रूर यहाँ सबके सामने साझा करना चाहूँगी कि लगभग 1 ट्रिलियन $ का नुकसान वैश्विक रूप से आर्थिक बोझ की तरह से पड़ता है, और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1.3 $ के करीब हमें प्रतिवर्ष नुकसान झेलना पड़ता है, और उस पे से भी जो मानसिक स्वास्थ्य पर भारत सरकार या दुनिया भर के जो पिछड़े देश हैं वो खर्च करते हैं जो स्वास्थ्य पर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को, उसमें से सिर्फ 3% आप कह सकते हैं मोटा मोटा 3% है वो मानसिक स्वास्थ्य का है। उसमें से भी जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 1% का खर्च करती हैं और जो मिडिल इनकम है वो 5% तक का खर्च करती हैं। लेकिन कुल मिला करके ये हमारे ऊपर एक आर्थिक अधिभार पैदा कर रहा है, और ये भी देखा गया है एक फैक्ट है कि US अगर $1 का इन्वेस्टमेंट करता है मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं चिंता और अवसाद जैसी तो उसको $4 के करीब रिटर्न भी मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि आंकड़े आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि हम इस तरह की चीज़ों को रोक कैसे सकते हैं, तो सर ने अपने जवाब में उसका आंसर दिया है कि हम सबसे पहला तो हम खुद स्वयं की हेल्प कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम एक नियमित जीवनचर्या का पालन करें। हमें सोने जागने के घंटे डिसाइड करने होंगे और वो समय भी डिसाइड करना होगा कि किस समय हमें अब रिलैक्स होकर के सोने चले जाना है। मोबाइल लैपटॉप और इन सब तरह की चीज़ों से हमें सोने से 1-2 घंटे पहले कोई भी सामना नहीं करना है ताकि हमें थोड़ा सा उससे रिलैक्स मिले। तो इसी तरह की कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अपने खाने पीने में अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अगर चूज़ करते हैं तो वो भी हमें बहुत बेनिफिट देती हैं। इसी बात को वंदना जी हम लोग आगे बढ़ाते हुए विकास जी के पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं दो चीज़ें विकास जी। एक तो कि इसका जो प्रोटोकॉल है बीमारी को लेकर जो एक प्रेस्क्राइब्ड जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो किस अवस्था में है, वो क्या है, और दूसरा कि ट्रीटमेंट गैप की स्थिति अपने यहाँ कितनी जरूरी या कितनी गंभीर है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में। लेकिन जी सर, ट्रीटमेंट पे सर बाद में आते हैं, जरा ट्रीटमेंट गैप की बात पहले कर लेते हैं। सर मैं आधिकारिक आंकड़ा सामने रखा हूँ क्योंकि आंकड़ों के मामले में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। सर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में जो किया गया
वो बता रहा है कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट गैप करीब करीब 92% का। ट्रीटमेंट गैप का मतलब क्या है? अभिप्राय ये है सर कि जिन लोगों को उपचार की ज़रूरत है उसके कितने प्रतिशत लोगों को उपचार मिल रहा है। 92% ट्रीटमेंट गैप से मतलब हुआ कि सिर्फ 8% लोगों को उपचार मिल रहा है, 92% को नहीं मिल पा रहा है। वो डेटा हमें बता रहा है सर वो सर्वे कि 15 करोड़ के करीब हमारे पास मानसिक समस्या से ग्रस्त रोगी हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, दे नीड ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। उसमें से सर करीब करीब 5 करोड़ 30 लाख अवसाद से ग्रस्त हैं। और सर एक इनका जो अवसाद के साथ एक एंजाइटी स्पेक्ट्रम होता है जो बड़े भाई छोटे भाई जैसे हैं दोनों, इन दोनों का संयुक्त आंकड़ा अगर कर लीजिएगा सर तो 9% आता है कुल जनसंख्या का। और सर एक हम लोगों के बीच में बड़ी सामान्य सी बीमारी डायबिटीज़ की है जिसको लेकर लगता है कि अमूमन सबके बीच में है, पर उसका प्रिवलेंस सर 2016 का 9% है सर और हमारा 2015 का ये 9% से ज़्यादा है। बिल्कुल, ये तो अब ये अलग बात है सर, ये टैबू के है या बाकी चीज़ें इसको से चर्चा नहीं होती है। समय क्या भाव है सर, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे आते हैं। किसी भी मानसिक बीमारी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सर 3 लोगों का मुख्य इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मानसिक बीमारियों में 3 मुख्य पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है सर बायोलॉजिकल पक्ष, जिससे अभिप्राय है कि हमारे अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं बीमारी के दौरान, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होते हैं मस्तिष्क में हमारे रसायन के स्तर पे। उनको ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है जिसको जिसकी डिग्री MD साइकेट्री होता है, जो मेडिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट करता है। पर मानसिक बीमारी के साथ ऐसा है सर कि सिर्फ दवाइयाँ ही आपके चिंतन और संज्ञान को अल्टर नहीं कर, भगवान ने अभी इतनी सहूलियत हम लोगों को नहीं दी है, वहाँ बात आती है सर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जो आपके संज्ञान सोचने समझने व्यवहार और एडजस्टमेंट के पैटर्न में कहाँ दिक्कत हुई जिससे अवसाद उत्पन्न हुआ उसको जानता है, उसका विश्लेषण करता है, उसकी टेस्टिंग करता है और उन चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास करता है। अब शायद साइकोथेरेपी की बात है सर, साइकोथेरेपी की बात। जैसे सर बच्चे को अगर स्कूल में उसके कलीग से दिक्कत है तो वो उस एरिया को इंटरवीन करता है जो कॉज है। सर अवसाद के लक्षण चिड़चिड़ापन घबराहट ये दवाइयाँ से तो ठीक हो जाएगा, पर ये उस पक्ष को। आखिरी सर एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं जो उन सामाजिक परिस्थितियों को डील करते हैं जिसके साथ तालमेल नहीं बिठाने के कारण उस व्यक्ति को अवसाद हो गया। 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं सर, तो हमारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आदर्श तो थोड़ा जटिल है सर, पर बीमारी जटिल है तो इसको एक सर में लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा, योग छूट गया हम लोग की चर्चा में। अच्छा, आधुनिक समय में सर जितने भी रिसर्च आ रहे हैं और भारतीय परिवेश में योग सर इतना महत्वपूर्ण, इसलिए हम आते हैं उस पर सरोकार के, बहुत अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, हम आते हैं सरोकार के अब अंतिम चरण में हम पहुंच चलते हैं और वहाँ एक सवाल लेते हैं डॉक्टर प्रोफेसर जयमंगल देव जी से कि यह जो अवस्था है मानसिक अवस्था है इसको जैसे संवाद को बढ़ाना इसमें कितना कारगर हो सकता है, चाहे वो परिवार हो या समाज हो। प्लीज सच पूछिए तो संवाद ही कुंजी है जी, क्योंकि एकाकीपन में क्या होता है जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे तो एक संवादहीनता की स्थिति हो जाती है जी। इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए संवाद जी, और यह संवाद जो है ये नहीं कि केवल दूसरे से जी, सामने वाले से, अपने डॉक्टर से जी जी जी, ये तो शुरुआत है जी, लेकिन असल है कि आत्मसंवाद, हमको क्या चाहिए जी जी, हमारी ये भी एक्सप्रेस होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी, उसके लिए भी व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा। प्रोफेसर वंदना, आप बताएं कि महिलाओं को जो आधी आबादी है हमारे घर में समाज में, वो खुद को कैसे इन सब चीजों से, चूंकि सबसे ज्यादा वो कहीं ना कहीं परेशान भी रहती हैं, तो उनको सेल्फ, जिसकी चर्चा हम सारे हमारे पैनलिस्ट ने की, आपको आपका क्या सुझाव होगा? बिल्कुल संक्षेप में, हमारे पास समय नहीं। सर ये बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रश्न आपने किया, और एक महिला होते हुए मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा हक भी है और ये ज़रूरी भी है कि मैं इस बात को साझा करूँ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये दुगनी गति से फैलता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन आर्थिक निर्णय लेने की आज़ादी नहीं मिली है। और अगर आप एज ऑनसेट देखेंगे कि किस एज में महिलाओं को ये सब हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये इनके घरेलू मुद्दों से, वैवाहिक स्थिति से और कामकाजी स्थितियों से जुड़ा है। तो हमें हर उन जगहों पर जहां पर हम महिलाओं को देखते हैं उनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा। आप देखेंगे शारीरिक या बायोलॉजिकल कंडीशंस भी उनकी ऐसी हैं जो उन्हें अधिभारित करती हैं चीज़ों को लेकर। जी बहुत धन्यवाद वंदना जी, चूंकि हमारे पास समय जी, नहीं जी, है जी। हम अंतिम सवाल लेते हैं डॉक्टर विकास से, योग के बारे में आप कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए।
आधिकारिक रूप से ये पुष्ट हो चुका है कि तमाम मानसिक बीमारियों में और खासकर अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों में हमारी जो अपनी निधि है योग कारगर है। और पूरी दुनिया यही वजह है कि 21 जून को विश्व योग दिवस मना रही है। हम लोग के परिवेश में सर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब ट्रीटमेंट गैप इतना बड़ा है तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम करें तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन जो क्योर का जो हमारा मूल मंत्र है, हम इससे बच पाएंगे और अपने जीवन में सिर्फ अवसाद से नहीं उभरेंगे बल्कि बहुत सारे आध्यात्मिक मूल्यों को भी जागृत कर पाएंगे। वैकल्पिक चिकित्सा वैकल्पिक मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप सारे विद्वानों का, पैनलिस्ट का। और हम इस महत्वपूर्ण विषय पर अवसाद एक चुनौती पर अपने विशेषज्ञों से बातचीत की। यकीन है कि यह सभी लोगों के लिए मुफीद होगा, कारगर होगा। और जो एक बीमारी के रूप में इसका प्रसार हो रहा है इसको काबू और नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा। हम अगले सप्ताह सरोकार के इसी कार्यक्रम में किसी दूसरे मुद्दे पर, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।